इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट आज का टॉपिक है बच्चों, और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ बोर्ड पर नजर रखें। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट, ये जो है बच्चों सिर्फ हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट में देखेंगे। हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट, और हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट क्या है तो कहता है जब रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में हो उसको हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट कहेंगे। अब हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट में बच्चों दो टर्म को देखेंगे। पहला टर्म का नाम है एक्टिविटी, इसको कहते हैं हिंदी में क्रियाशीलता। दूसरा है सेलेक्टिविटी, चयनशीलता। अब हम लोग देख लेते हैं एक्टिविटी के बारे में, सिर्फ बोर्ड पर नजर रखें, इतना आसानी से समझ में आएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं, है ना। एक्टिविटी, अब एक्टिविटी को समझने के लिए बच्चों हम लोग एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, है ना। रिएक्शन में जब भी होगा हाइड्रोजनेशन की क्रिया होगा, जैसे है N2+3H2, ये दोनों गैस जो है मिलेगा तो गैस का ही फॉर्मेशन होगा और उसका नाम है अमोनिया। इसमें जो कैटेलिस्ट है आयरन है, आयरन क्या है सॉलिड है, है ना। अब यहाँ बच्चों देखिए ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस यानी रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और कैटेलिस्ट क्या है सॉलिड फेज में है। इसमें होता क्या है कि इसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो है एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट, है ना, कैटेलिस्ट के सरफेस पर होता है। और जब कैटेलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होता है तो इसका जो है बच्चों एबिलिटी बढ़ता है, और इसका एबिलिटी जब बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ता है। इसी को तो हम लोग बच्चों कहते हैं एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट द एबिलिटी, द एबिलिटी टू इनक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी हो गया। अब कहता है ये डिपेंड किस पर करता है, तो अभी तुरंत बताए कि सरफेस रिएक्टेंट के सरफेस पर रिएक्टेंट का जब एडजॉर्प्शन होता है तभी इसका एबिलिटी बढ़ता है, है ना। तो पहले दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होगा कहां होगा, ऑन द सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट, है ना, कैटेलिस्ट यही तो है बच्चों। और एग्जांपल देख लीजिए, H2 है O2 है, ये दोनों मिलता है तो वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन करता है, है ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए ऐसे कर देंगे, लेकिन यहाँ जो कैटेलिस्ट होता है बच्चों प्लैटिनम होता है और वो सॉलिड स्टेट में होता है। हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है बच्चों, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोजनेशन कहेंगे। और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं CH2 एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है जिसको इथिलीन कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका हाइड्रोजनेशन होगा, है ना,
निकेल कैटेलिस्ट हो, प्लैटिनम कैटेलिस्ट हो, जो कैटेलिस्ट आप डाल दीजिए, पीटी पीडी भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, यानी इथिलीन से इथेने कन्वर्सन भी है, इसको याद रखेंगे, ऑर्गेनिक में काम देगा। अब बच्चों हम लोग दूसरा टर्म में आते हैं, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी चयनशीलता, ये जो है बच्चों और आसान। इसमें बच्चों क्या है, इसमें कुछ नहीं और आसान है। इसमें होता है कि रिएक्टेंट एक ही प्रकार का हो, अलग अलग कैटेलिस्ट हो, और अलग अलग कैटेलिस्ट होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी अलग अलग करेगा। बच्चों अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे है कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसको अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे, यानी ये भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, यहाँ करेंगे निकेल कैटेलिस्ट, निकेल कैटेलिस्ट ये जो है बनेगा आपका मीथेन और प्लस H2 है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ कर दीजिए 4 2 6 है 3H2, चलिए रिएक्शन विल बी बैलेंस। अब बच्चों यही है कोबाल्ट है प्लस हाइड्रोजन है ना। अगर यहाँ जो है कॉपर कैटेलिस्ट का इस्तेमाल अगर कर दिए तब प्रोडक्ट जो है आपका चेंज हो जाएगा। यही है सेलेक्ट, एक निश्चित प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है ना, यानी ये बन जाएगा HCHO जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल कहेंगे। इसके बाद है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस H2 है, इसके बाद यहाँ रख दीजिए CuZNO Cr2O3, तो यहाँ जो है प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों मिथाइल अल्कोहल। अब देखिए रिएक्टेंट तीनों एक ही है, कैटेलिस्ट जब अलग यूज करते हैं तो अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिविटी। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं, द सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटेलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो बच्चों आपको समझ में आया, और नहीं आया तो रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों